कैसे भरते हैं उड़ान ईगल, कैसे भरते हैं। ये जो तीनों डायरेक्शन हम देख रहे हैं नीचे की ओर, वो सिंकिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स और एक है वेट की वजह से वो नीचे की तरफ खींचता है, और दूसरे ओर ऊपर की तरफ जो तीन एरोज है वो एक लिफ्ट फोर्स है, एक ड्रैगिंग फोर्स है और एक रिजल्टेंट एरोडायनामिक फोर्स है जिसकी वजह से वो उड़ान भरता है। इतना ऊंचे उड़ान के क्या सोचिए, ईगल क्या शान से जीता है जिंदगी, अपने पर को यार के ऊपर, हवा के ऊपर ऐसे बिखरता है और शान से जीता है अपने दम पर। देखिए ईगल का कहानी। जरूरी नहीं है यहाँ हर काम का इनाम मिले, अर्जू यही बस ये कायनात पे जीने के लिए थोड़ा सा जगह मिले। चलिए आज आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, नाम है प्राण जाए पर शान ना जाए। अपने शायद सुना होगा खतरनाक शिकारियों में से एक स्थल में टाइगर यानी कि शेर, पानी में मगरमच्छ और तीसरा है भवाज यानी कि ईगल। कौन कितना सातिल है, किसका है तेज दिमाग, तो वो बात आलोचक होंगे शायद, पर अगर दिलेरी और खुदगर्जी के मुद्दे पे आकर बात ठहरे तो एक ही नाम बयाने काबिल है। जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ ईगल है। तेज तूफान हवाएं और बादल बिजली के ऊपर उड़ता है, उसी तूफानी ताकत का अजमाइश लेके किसी का एहसान खिदमत का मोहताज बन के जीते नहीं, वो सीधा सा भावनाएं लेके जीते हैं। जिए तो अपना दम पर वरना बस खाक हो जाए। 70 साल जीने वाले ये परभक्षी खतरनाक ईगल अपने 40 साल का उम्र में ही होंठ यानी के बीक, नाखून यानी के क्लॉज, पर यानी के फेदार को गवा देता है, यानी के वो शिकार के लिए काबिल ही नहीं रहते। ये सब बीक क्लॉज जो कभी तेज तरीन शिकार के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे आज बेकार हो गए। तो क्या ईगल जीने के लिए खाने के लिए दूसरों की मोहताज बनता फिरेगा? हम सोचते तो शायद यही सोचते, जीते बेबसी पे अपने किस्मत पे बस यूं ही रोते रोते, पर दोस्त वो कुछ और ही करता है। कहानी बहुत दलेरी का बहुत ही हैरत अंगेज है। उड़ान भरते हैं वो अपने घोंसले की ओर, वहाँ इतने ऊंचाई में अकेले ही अपना बीक होंठ नाखून क्लॉज को जानबूझकर ठोकते रहते हैं पहाड़ी के पत्थर पर, खून में हो जाते हैं लथपथ, जान चले जाते हैं कभी कभी। कुछ ईगल ऐसे हालातों में भी लड़ते हैं 150 दिन आखिरी सांस तक। बाकी ही भगवान का कायनात बड़े गजब का है, अपने दम पर अपने बलबूते पर जीने के लिए ये दीवानगी, ये आरजू, दर्द में तड़पाए इतना, तकलीफों का पहाड़ का जैसा टूट जाना, फिर भी हार ना माने, पार करके आते हैं ये अग्निपथ, कैसे बस खुदा ही जाने। जो ईगल बच जाते हैं वो और 30 साल जीते हैं नए क्लॉज बीक फेदर के साथ। तो दोस्तों क्या सीख मिला आपको ईगल का कहानी से? तकलीफ बाधाएं तो आते जाते रहेगा, हमारे भी कुछ चीज पुराना हो जाएगा, वो सोच हो सकता है, काम करने का तरीका भी हो सकता है, उम्र का दिलासा दिए दिल को यूं ही, ये बस बहुत काम कर लिया वाला अंदाज से अपना लड़ाई छोड़ के मत चाहिए। ईगल की तरह लड़िए, चलिए नए कुछ करने की सोच ही तो सकते हो आप। क्या पता डॉक्टर बनने चाहते थे पर इंजीनियर बनके बिता दिया जिंदगी बनवास पे जनाब। तो फिर आखिरी कुछ साल ये इसकी उसकी खिंचाई, प्याज पेट्रोल की दाम के चर्चे पर क्यों बिताया करे? चलिए आप अपना बुढ़ापे की ये आखिरी जंग का आगाज करे। आने वाला पलकों गुजरे हुए काल का दास्तान उसकी अहमियत समझाए, आज के दर के बुराई के साथ अच्छा चीजों का तारीफ करे, ना कि हमारा जमाना अच्छा था इस तना सही तू तू मैं पर ही अपना सोच सिमट जाए, और दूसरे पर दोष देने से पहले अपना अंदर छुपे हुए दोषी भावना को भी सजा दे। चलिए सिखाए छोटे छोटे बच्चों को, गलत रास्ता इख्तियार करने वाला इंसान कामयाब हो भी सकता है, पैसे की दम पर खरीदा उसकी कामयाबी देख के तुम भी उस तरफ कुछ मत करो। ईगल जैसा सोचो, जीना मरना तो समय का खेल है, होगा तो जो भी करो वही।
पर किसी भी हाल में बेईमानी का गुलामी नहीं, ईगल की तरह सोचना सिखाए। हक ना मिले तुझे अपना हुनर की हिसाब से तो हर मत फिर से ताकत का आजमाइश पे रूह को तैनात कर दे। हक ना मिले तुझे अपना हुनर की हिसाब से तो गिड़गिड़ा मत जा, अपना मेहनत और लगन से उस हक को ही अपना गुलाम बना ले, ताकि तुझे हक का कभी मोहताज न बनना पड़े। चलते चलिए, मन ही मन बोलिए, जरूरी नहीं है यहाँ हर काम का ही इनाम मिले, जरूरी नहीं है यहाँ हर काम का इनाम मिले। आरजू यही है बस, इस खुदा की कायनात पे जीने के लिए थोड़ा सा जगह मिले, थोड़ा सा